वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? ओके, सो टुडे द टॉपिक इज अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल्स, और नर्सिंग में इसका बहुत बड़ा रोल है. ठीक है, क्योंकि अगर हम क्लाइंट सेटिस्फेक्शन की बात करें, या हम ट्रेंड्स की बात करें, हम क्वालिटी इंडिकेटर की बात करें, क्योंकि कम्युनिकेशन इज द इमीडिएट की जो आपको 70 to 80% जो है वो सेटिस्फाई करती है, और ये एक अंडरस्टैंडिंग का एक्स्ट्रा मोड है जो हम सबको एक दूसरे से कनेक्ट करता है. ठीक है, सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव आज के. बाय द एंड ऑफ दिस सेशन द लर्नर विल बी एबल टू डिफाइन कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन के टाइप्स और की स्किल्स क्या हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की टेक्निक्स क्या हैं, और कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स का एक ऐसा जो है वो आड़े आते हैं या रास्ता रोक देते हैं. ठीक है जी, सो कम्युनिकेशन व्हाट इज बेसिकली. ठीक है, सो लेट्स सी, आई हैव व्हाट द डेफिनेशन आई हैव विद मी. द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज. ठीक है, ये बता रहा है कि जाने और सुनने के लिए आप जो वर्बल और नॉन वर्बल स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिससे आपके पास ओरल कम्युनिकेशन आता है, आपके पास राइटिंग आ जाता है, आपके पास साइन लैंग्वेज आ जाती है, आपके पास सिग्नल्स आ जाते हैं, और आपके पास बिहेवियर आ जाते हैं. ठीक है, सो दिस इज समथिंग द कम्युनिकेशन इज. सो लेट्स रीड अगेन विद दिस डेफिनेशन. The process of sending and receiving messages through verbal or non-verbal means, that is the speech, and under with this we have oral communication, we have writing, written communication, we have signs, we have signals, and we have behaviors. Okay, so let's see what the other definition says. Dusri definition kya kehti hai, it is the exchange of idea. Ye exchange of idea se aapke dimag ki soch, आपकी समझ और आपके पैगाम जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, जो कुछ आप सोचते हैं, इंफॉर्मेशन, जो मालूमात आपके पास है, फीलिंग, आप कैसा महसूस करते हैं. ठीक है, इट इज द टूल टू डील द बिल्ड रिलेशनशिप. ये एक ऐसा टूल है जो दो लोगों को आपस में मिलाता है, या दो से ज्यादा लोगों को जो है वो एक कड़ी में जो है वो जोड़ता है, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं. अब कम्युनिकेशन हायरार्की क्या होती है, हायरार्की से अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जो है वो हॉस्पिटल साइड पे, हमारे पास जो है वो यू कैन से कॉलेज साइड पे, हमारे पास यूनिवर्सिटी, स्कूल, एवरीवेयर, मतलब यही एक सिस्टमाइज चीजें जो है वो चल रही हैं. सो व्हाट से द डाउनवर्ड, नाउ व्हाट इज द डाउनवर्ड, इज हाई डायरेक्टिव फ्रॉम सीनियर टू सबऑर्डिनेट. लेट्स से आपकी वर्टेक्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग में आपके जो है वो प्रिंसिपल हैं. ठीक है, वो जो है वो बेसिकली अपने वाइस प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर्स के साथ जो है वो गुफ्तगू करते हैं कि हमें स्टूडेंट्स के जो है वो अब फाइनल एग्जाम जो है वो किस तरह से कंडक्ट करने हैं, ये कोविड या पेंडेमिक चल रहा है तो हम जो है वो किस तरह से इसको सिस्टमाइज कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स प्रॉब्लम ना हो. तो ऊपर से जो मैसेज आता है नीचे वालों की तरफ से, और उस पर जो ग्रास रूट लेवल पे वर्किंग होती है वो होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. ठीक है, अब अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, इट इज अ नॉन डायरेक्टिव इन नेचर फ्रॉम डाउन टू बिलो. आपने जो है वो अपने से, यानी कि आप फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सब बैठे हैं, ठीक है, आप स्टूडेंट्स हैं, सही है, और मैं आपकी टीचर हूँ, तो आपका सीआर मेरे पास आता है, जैसे अवीज आपके पास सीआर है, ठीक है, और अवीज जो है वो मेरे पास आता है कि टीचर आज जो है वो हम लोग का एग्जाम है और हम जो है वो क्लास अटेंड नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये हो गया नॉन डायरेक्टिव, यानी कि इन नेचर आपके सीनियर यानी कि स्टूडेंट थे, उनकी डेजिग्नेशन स्टूडेंट थी और उन्होंने मुझसे डायरेक्ट आपसे किया क्योंकि मेरा रोल था यहाँ पे एज ए टीचर. तो ये हो गया नीचे से ऊपर आ, ठीक है, अपवर्ड, सही है. इसके बाद लेटरल या हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं, व्हाट इज द लेटरल एंड हॉरिजॉन्टल. दिस इज दी कम्युनिकेशन अमंग कॉलीग, हम सब आपस में दोस्त हैं. ठीक है, जैसे आप समझे, आप अवेज हैं, आप तलहा हैं, आप इरफान हैं, आप दानिश हैं, ठीक है, आप इमाद हैं, आप शाहद हैं, ठीक है, आप लोग आपस में सब बातें करते हैं, यानी आपका बस सबका सेम लेवल है. आज मैं बात करूँ तो ये डी एस टीम के ग्रुप का सबका सेम लेवल है और सबका एक ही गोल है कि यहाँ से सब इंशाल्लाह ग्रेजुएट होंगे. तो आपके दरमियान में जो भी जो
जो है वो इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी आप लोग की बातचीत होती है, आपकी शेयरिंग होना, आपस में कोऑर्डिनेशन होना, वो एक यकता है, यानी कि एक कॉमनैलिटी है आप तमाम में, तो वो होता है आपका लेटरल एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सो व्हाट कुड बी द मोड ऑफ कम्युनिकेशन? मेरे पास मोड ऑफ कम्युनिकेशन और क्या क्या हो सकते हैं, कौन सी ऐसी कम्युनिकेशन है, कौन से ऐसे रास्ते हैं जो मेरे पास हो सकते हैं? ठीक है, सो पीपल कम्युनिकेट विद ईच अदर, यानी कि लोग जो है वो आपस में बात करते हैं। ठीक है, इन द नंबर ऑफ वे, कौन से ऐसे नंबर है? ठीक है, डिपेंड्स ऑन द मैसेज, ये डिपेंड करता है उनका मैसेज कौन सा है, उनका कॉन्टेक्स्ट कौन सा है, और वो किसको ये मैसेज भेजना चाहते हैं। ठीक है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी हैव द चैनल, हमारे पास कौन कौन से चैनल जो है वो हमें वर्बल कम्युनिकेशन जो हम जुबान से इस्तेमाल करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो हमारे जेस्टर्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग इशारा करते हैं, हम कहते हैं हाय, ठीक है, ऑल नो, जैसे बाय, ठीक है, हम जो है वो हंसते हैं, ठीक है, किसी के सामने हम स्माइल पास करते हैं, या हम किसी को जो है अजीब निगाहों से देखते हैं, ठीक है, मशकूक निगाहों से देखते हैं, तो ये वो सारी चीजें फिर जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। साइन लैंग्वेज, यानी कि आपका वर्टेक्स की यूनिवर्सिटी कॉलेज पर जो है वो रास्ता अपर साइड से लोअर साइड आता है, आप जो है आपको साइन बोर्ड मिलता है कि जी इस गली से राइट लेने, इस गली से लेफ्ट लेने, सारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो कि आपको सिग्नल और जो है वो लैंग्वेज की शक्ल में आपको मिलता है। ठीक है जी, तो वर्बल कम्युनिकेशन हमारे पास क्या होता है, ये एक रेफर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि मैसेज ऑफ ट्रांसमिटेड है। ठीक है, ये जो है वो मैसेज ऑफ ट्रांसमिटेड है जिसमें वर्बली सेंसेस ऑफ वर्ड्स है, फिर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके पास आएंगे। वर्बली कम्युनिकेशन में आपके पास कौन कौन से अल्फाज आते हैं? ठीक है, आपके पास ओरल कम्युनिकेशन आता है और आपके पास जो है वो रिटन कम्युनिकेशन आता है, यानी कि एक तो आप जबान से बोलते हैं और एक जब आप राइटिंग करते हैं, ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, आप नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, आप इंटरव्यू स्किल्स में हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, ठीक है, आप जो है वो कोई सिनेरियो क्रिएट कर रहे होते हैं, यानी कि आप कोई एक जो है वो नतीजा लिख रहे होते हैं, आप समरी लिख रहे होते हैं, आप नोट्स रिफ्लेक्शन लिख रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन के की इंडिकेटर्स में आती है। तो ओरल कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है, ओरल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग, ये आपके पास एक एक्सप्रेस यानी कि इजहार करने का तरीका, एक ऐसी इंफॉर्मेशन, एक ऐसा पैगाम, आइडिया यानी कि आपकी सोच जो कि आपकी जबान से जो है वो कम्युनिकेट, यानी कि जबान आपकी मुंह के रास्ते से, जबान के जरिए से जो है वो राह रास्त करती है। ठीक है, इट इंक्लूड्स फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, जैसे हम सब बात कर रहे हैं, आप सामने बैठे हुए हैं, मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, हम सब बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, स्पीच यानी कि आप जो है वो लेट्स से कि कोई आपका कॉलेज का कोई इवेंट होता है और आपके एमडी जो है जैसे फरमान साहब हैं, या आपके मौजूद जो है वो टीचर है कोई, या आपके मौजूद जो है वो चेयरमैन है, आपके मौजूद एमडीज हैं, ठीक है, वो स्पीच करते हैं, वो स्कूल को एक ज्ञान देते हैं, ठीक है, तो वो एक वन वे कम्युनिकेशन होता है। टेलीफोन है आपके पास, मोबाइल से जैसे, ठीक है, मोबाइल से कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, या पुराना अगर फोन किसी ने देखा हो तो PTCL हमारे पास बहुत कॉमनली यूज हो रहा होता था। वीडियो कॉल, ठीक है, अभी हम वीडियो पे बात कर रहे हैं, आप बेशक वहाँ नहीं मौजूद है, बट आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर एंड आई एम सेंडिंग टू यू। ठीक है, रेडियो पे बात होती है, ठीक है, जब आप सुन सकते हैं, ये सारी वो चीजें जिसमें आपके सेंसेस इन्वॉल्व है। ठीक है, आपके सेंसेस इन्वॉल्व है, आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप सुनते हैं, ठीक है, और आप समझ सकते हैं। ठीक है, टेलीविजन हम टीवी पे देखते हैं, ठीक है, हमें कम्युनिकेट होता है, बाहर के हालात खराब हो गए हैं, आप जान के बन रहे हैं, पैंडमिक की न्यूज़ हमें मिल रही है कि इस एरिया में जो है वो ममनू है ट्रैवल करना, यहाँ पे जाना जो है वो सेफ है, तो दीज ऑल आर दी ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, वॉइस नोट हम मैसेज छोड़ रहे होते हैं, या इंटरनेट पे हम जो है वो फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, हम वहाँ पे पोस्टिंग करके जो है वो लोगों को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और लिख रहे होते हैं। ओके, सो व्हाट से द कम्युनिकेशन इज द इन्फ्लुएंस ऑफ योर पिच, आपकी आवाज का उतार चढ़ाव, वॉल्यूम यानी कि आप किस तरह से बात करते हैं, ठीक है, स्पीच आपकी किस तरह की स्पीच थी, ठीक है, क्लैरिटी किस तरह की थी, यानी कि सफाई उसमें कितनी थी,
और स्पीकिंग, आप क्या बोलना चाहते थे? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नाउ व्हाट कुड बी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस? हर चीज के फायदे और नुकसान जो है वो, तो ओरल के कुछ फायदे और ओरल के कम्युनिकेशन के कुछ नुकसान हमारे पास क्या है? तो एडवांटेज में बेसिकली हमारे पास टाइम सेविंग. ठीक है, अगर आपको पता है कि भाई आपकी प्रॉब्लम है और आपने टीचर को बड़ा टाइम पे बता दिया, ऐसा ना हो कि आपने वो बात दिल में रख ली और आपने सोचा कि नहीं मैं बाद में बता दूंगा, मैं देख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ. तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गया आपका और मेरा, हो गया. ठीक है, हमने टाइम से कर लिया, क्योंकि आपको मेरा जो है वो फीडबैक मिल गया कि मैं आपके बारे में क्या सोच रही थी, मुझे क्या बोलना चाहिए था. आपने तो मुझे कम्युनिकेट कर दिया कि आप लोग किस तरह से जो है वो ये कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों ने जो है वो राइटिंग मैसेजेस के थ्रू बताया कि आप लोग को क्लास की टाइमिंग नहीं समझ में आ रहे थे. ठीक है, और हमने कहा कि हम इस पे काम कर रहे हैं. ठीक है, सो वी मेड इट ऑल पॉसिबल फॉर यू. सो दिस वाज समथिंग लाइक अ टाइम सेविंग कि हम सबने एक दूसरे का टाइम से किया, हमने फीडबैक दिया और हमने इस पे काम किया. ठीक है, कॉस्ट सेविंग, बट टाइम सेविंग में वी नीड टू मेक श्योर कि हमें रिस्पेक्ट का नोशन जो है वो लाजमी रखना है. ठीक है, वी नीड टू लुक आफ्टर कि वी आर नॉट डिसरिस्पेक्टिंग टू एनीवन. ठीक है, हम अपनी बातचीत, हम अपनी कलामी किस नौयत की कर रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और हम किस से बात कर रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, कॉस्ट सेविंग क्या होता है? हम सबको पता है कि आसान है, मेरे पास फोन मौजूद है, ठीक है, मैंने कॉल कर लिया, आसान है. अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं वहां पे ऑल द वे चल के आ रही हूँ आपकी कॉलेज में और मुझे ये बात करनी थी. तो दिस वुड बी द टाइम एंड द ट्रैवल सेविंग देमसेल्फ. ठीक है, हम सब जो है वो अभी वर्चुअल पे दूसरे को देख सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं. तो इसीलिए आज हम यहाँ पे मौजूद है कि हम आपकी क्लास दे रहे थे. ये कॉस्ट सेविंग है. ठीक है, मोर पावरफुल, ठीक है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है कि सामने वाले का फीडबैक और हमारा खुद का फीडबैक जो है वो इमीडिएट होता है. इमीडिएट फीडबैक यानी कि सामने वाले का रिएक्शन हमें पता चल जाता है कि वो क्या बोलता है, और आपका रिएक्शन पता चल जाएगा कि आपकी खुद की फीलिंग. रिलेशनशिप डेवलपमेंट, आपकी जो है वो रिश्ते बेहतर हो जाते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि आपको पता है कि सामने वाले से किस नॉइज से बात करनी है, तो आप फ्लेक्सिबल होते हैं, सामने वाला भी फ्लेक्सिबल होता है कि वो आपको समझ सके और सुन सके. इजीनेस, आसानी होती है. ठीक है, करेक्शन ऑफ एरर्स, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपको अभी ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, और मैं पूछती हूँ अच्छा आपको ये स्लाइड समझ में आ रही है, आप में से कोई एक स्टूडेंट मेरे साथ आता है कि मैडम मुझे जो है वो ये चीज नहीं समझ में आ रही. ठीक है, तो दिस वुड बी द करेक्शन ऑफ एरर्स कि मैं आपके हाथ आपके कॉन्सेप्ट जो है वो ठीक कर लूंगी, मैं उसको बेहतर कर लूंगी. ओके, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सही है. ओके, ओरल में आपके पास बेसिकली इनफॉर्मल एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन आ जाता है. ठीक है, सो फॉर्मल इज समथिंग यू हैव टू लुक आफ्टर कि आप अपने बड़ों से बात कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा तमीज और तहजीब के दामन में रहना पड़ता है. इनफॉर्मल में आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं, अपने कॉलिग्स के साथ बात कर रहे हैं, आप जो है वो कंधे पे हाथ रख के बात कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस वुड बी कि एक फ्रेंडली वे में आप जो है वो माहौल को क्रिएट कर रहे हैं. मोटिवेशन, आपको खुद भी अच्छा लगेगा, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा कि उसे अपनी बात जो है वो मेंटेन की. मेंटेन सीक्रेट की यानी कि कॉन्फिडेंशियल की जो है वो बेसिकली मेंटेन हो रही होती है, कि आप जो है वो बेसिकली सामने वाले की राजदारी करेंगे और वो आपकी राजदारी करेगा. नाउ व्हाट वुड बी डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज इज दिस कि कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं. फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे ये कहा कि टीचर मैं ये असाइनमेंट जो है वो जमा कराऊंगा कल या परसों. ठीक है, मैंने कहा ठीक है आप परसों करवा लीजिए, फिर आप भी भूल गए, मैं भी भूल गई. हमारे पास मैंने जो है वो एग्जाम में जब मैं फाइनल रिजल्ट में बनाने पे थी, तो मैंने देखा कि भाई इमाज ने जो है वो अपना नहीं बनाया, सही है, अपना असाइनमेंट नहीं बनाया, और मैंने उसको मार्क्स जो है वो नहीं दिए. अब वो आके फिर मुझे कहते नहीं मिस आपने जो है वो मुझे कहा था कि 2 दिन में, तो मैंने कहा 2 दिन में तो आपने जमा नहीं कराया. ठीक है, तो मैंने कहा कहीं राइटिंग में हमने लिखा था, आपने मुझे कोई ईमेल किया था, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कम्युनिकेट करते हैं. तो अपनी बात हमेशा आप राइटिंग में लेकिन. ठीक है, इनएक्यूरेसी जरूरी नहीं है कि आप खुद भी एक्यूरेट हो और सामने वाला भी एक्यूरेट हो, कोई लीगल वैलिडेशन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आपको कहा कि जी आपके नर्सिंग में एडमिशन हो चुका है, ठीक है, आप कल ये फीस करा देना, आपने फीस दे दी, लेकिन मैंने आपको कोई लेटर दिया, मैंने आपको लेटर हेड पे कुछ लिख के दिया कि भाई वर्टेक्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने आपको सिलेक्ट किया है फॉर द बी एस सी एन प्रोग्राम. ठीक है, सो वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ लेटर विद अस.
लेट डिसीजन, इट कुड बी कि हाँ भाई सिर्फ बातें ही बातें हो रही हैं, कुछ कागजी कार्रवाई तो हो रही है, लैक ऑफ फ्रीक्वेंसी हो सकता है कि मैं आपको नुकसान पहुंचाऊं और आपके रिकॉर्ड बातें या कुछ इस तरह से जो है जाके एक सबको सुना दूं कि देखिए आप इस तरह की या इस नॉइज की कम्युनिकेशन करते हैं. सो वी नीड टू बी वेरी मच केयरफुल. अगेन आई एम सेइंग वेरी मच केयरफुल व्हाइल कम्युनिकेटिंग एनीथिंग टू एनीवन. ओके, so what could be the written, okay, written communication which is formed through various written documents is called the written communication. It is the word based communication that takes place in the written form. ठीक है, ये एक ऐसा document है जो कि writing form में जो है वो लिखा जाता है. अब इसके कौन कौन से instruments हो सकते हैं? ठीक है, आपके पास कौन कौन सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसपे आ सकते हैं? आपके पास मेमोज होते हैं. ठीक है, मेमोज क्या होते हैं? जैसे कि कल ईद मिलादुन्नबी है, ठीक है, तो एक सर्कुलर मेमो सबके लिए नॉर्मल लग रहा है कि टुमारो विल बी ऑब्जर्व दी हॉलीडे ड्यू टू ईद मिलादुन्नबी. ओके, लेटर खुदा ना खासा आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ठीक है, या लेट्स से कि आपने कोविड में कवरेज किया एज अ स्टूडेंट, ठीक है, तो आपको जो है वो लेटर ऑफ एप्रिसिएशन मिला है बॉटिक्स कॉलेज की तरफ से, ठीक है, आपको तस्दीक शुदा जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट मिला है. रिटन इंस्ट्रक्शंस, जब आप क्लिनिकल्स पे जाते हैं आपको कोड ब्रेड मिलते हैं, आपको बताया जाता है कि ठीक है ये आपको जो है प्लस इंस्ट्रक्शंस जो है वो फॉलो करनी है. नोट्स, नोट्स आप जब पेशेंट से गुफ्तगू करते हैं, और नोट्स अभी भी अगर आप तो मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो आप लोग लिख रहे होंगे. रिपोर्ट राइटिंग, आपका इवेल्यूएशन, मरीज की रिपोर्ट, ठीक है, मरीज का जो है जैसे CBC, मरीज का जो है वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, मरीज का जो है वो एक्सरे रिपोर्ट, ठीक है, जर्नल यानी आर्टिकल्स वगैरह जो पब्लिश होते हैं इस तरह से करनी. ओके, तो रिटन के भी जो है वो अच्छाइयां और बुराइयां यानी कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जो है वो मिलते हैं. तो दिस इज इजी टू प्रिजर्व, ठीक है, एडवांटेज में इजी टू प्रिजर्व है, ठीक है, यानी कि आपके पास जो है ये आसानी से जो है आप रख सकते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को आप संभाल के रख सकते हैं, आप फाइलिंग कर सकते. परमानेंट रिकॉर्ड होते हैं, परमानेंट आपके पास एक रिकॉर्ड रूम होता है, जिसके बाद से आप ये सारी चीजें दस्तावेज को संभाल सकते हैं. आप रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मरीज आपके पास एक्टिवर हॉस्पिटल में 10 साल पहले आया था, अब वही मरीज आज आपके पास आया है, वो आपको कार्ड दिखाते हैं कि जनाब मैं ये, आप पूछते हैं आपके पास हॉस्पिटल का कार्ड है, और वो कहते हैं जी हाँ मैंने 10 साल पहले दिखाया था. तो आपके पास रिकॉर्ड रूम में अगर वो फाइल मौजूद होगी तो आप वहां से उसका रिकॉर्ड निकाल लेंगे और आपके पास हिस्ट्री जो है वो फॉरन आ जाएगी, ठीक है. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि आपके पास अथॉरिटी किसकी है, ठीक है, यानी कि आपके टीचर या कोऑर्डिनेटर के पास आपका BSCN का जो है वो रिकॉर्ड पूरा मौजूद है, ठीक है. लॉन्गेबिलिटी, यानी कि एक लॉन्ग टाइम तक आप जो है वो इस चीज को संभाल सकते. लेस डिस्पर्शन, यानी कि इसमें जो है वो काम फैलावा नहीं होता है, सब चीज राइटिंग में लिखी होती है तो वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है और आप पढ़ सकते हैं, ठीक है. पॉसिबल चेंजेस हो सकती हैं, डॉक्यूमेंटेशन में चेंजेस हो सकती हैं, जैसे ये कि नर्सिंग नोट्स में ये चीज ऐड नहीं थी फॉर एग्जांपल, तो आपने ये ऐड कर दी मरीज के लिए कि जैसे कि वो डेली हाइजीन उसका ऐड नहीं था, तो आपने हाइजीन का क्लॉज जो है वो एंटर कर दिया. तो टाइमली जो है वो डॉक्यूमेंट्स रिव्यू होते रहते हैं. और WHO और ISO की जो है वो गाइडलाइंस अगर हम जब देखते हैं तो 2 साल में जो है वो हर पॉलिसी और डॉक्यूमेंट जो है वो रिव्यू होना चाहिए, ठीक है. इजी टू वेरीफाई, आसानी से वेरीफाई हो सकता है, पता चल सकता है कि भाई किसने लिखा था, कहाँ लिखा गया था, कब लिखा गया था. ओके, सो व्हाट कुड बी द डिसएडवांटेजेस? डिसएडवांटेजेस में जो है वो आपके पास क्या हो सकते हैं? एक्सपेंसिव पेपर जो है वो एक्सपेंसिव है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, लिखना जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, पूरी शिफ्ट निकल जाती है. यूजेस टू इलिटरेट, अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है इंसान तो उसके लिए पढ़ने में दुश्वारी हो सकती है. फ्लेक्सीबिलिटी नहीं होती, आप चेंज नहीं कर सकते. रिस्पॉन्स का डिले है, जैसे अगर मैंने एक हाथ लिखा है एक रेगुलरिटी बॉडी को, जैसे कि आजकल कोविड में मसला हो रहा है कि हम PNC में अपना लाइसेंस भेज रहे हैं, अपनी डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं या ऐप में भेज रहे हैं, तो पूरा पूरा साल लग रहा है, ठीक है, तो वापस आने में बहुत डिले हो जाता है, ठीक है. कॉस्ट इन रिकॉर्ड कीपिंग, अगर आप एक रिकॉर्ड रूम रखते हैं तो वो जगह जो है वो आपकी बंदी हो जाएगी, आपको एक बंदा चाहिएगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिएगी, तो ये कॉस्ट अफेक्टिंग है. कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं मेडिकल लैंग्वेज है जिसमें हो सकता है कि आपकी कमान ना हो, सामने वाले पढ़ने वाले की कमान ना हो, और रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन आपको नहीं मिलता, यानी कि ये डॉक्यूमेंट किसके
हैं, कहाँ से आए, ये भी कभी कभार बहुत ज्यादा दुश्वारी होती है हम सबको। ठीक है, सो आई एम स्टॉपिंग हियर विद ऑल दी रिटन ओरल कम्युनिकेशन। रीस्पैक्ट, आप ये कॉन्सेप्ट को समझिएगा, देन आई विल कंटिन्यू विद दी नॉन वर्बल एटीट्यूड एंड दी एटीट्यूड। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग सब स्टूडेंट्स? ठीक है, ओके। ये उसी लेक्चर की कड़ी है, हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स हैव अ वेरी क्विक रीकैप के हमने जो है वो सुबह जो है वो किस किस पे बात की थी। हमने डेफिनेशन की बात की थी, हमने इस पे खास तौर पे बात किया था कि सेंडिंग और रिसीविंग का जो है एक प्रोसेस होता है, जिसमें जो है वो वर्बल और नॉन वर्बल का जो है वो एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें आप ओरल कम्युनिकेशन, राइटिंग्स, साइन लैंग्वेज, सिग्नल्स और बिहेवियर्स के बारे में बात करते हैं। अगेन हमने कहा था कि ये दो लोगों के बीच में उनके आइडियाज, इंफॉर्मेशंस, फीलिंग्स उसको एक्सचेंज करता है, और एक आपका और एक सामने वाले का जो है एक मखसूस रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करता है। ठीक है, इसके बाद जो है फिर हमने बात की थी कि हमारे पास जो है वो हायरार्की सिस्टम आता है। सो हायरार्की सिस्टम में वी हैव डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स एंड लेटरल। सो इन डाउनवर्ड्स अगर हम बात करें, हमने आपको एग्जांपल दिया था सुबह के टाइम पे कि जैसे ये है कि आपके एमडी हैं फरमान साहब, ठीक है, और जो है वो आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं, आपके फैकल्टीज हैं, उनमें डिसमिनेट करते मैसेज के फाइनल के एग्जाम्स को जो है वो बिल्कुल प्रॉपरली और एसओपीज के हवाले से जो है वो फॉलो किया जाए उस तरह से। ठीक है, सो फ्रॉम अप डाउनवर्ड्स यानी कि ऊपर से डायरेक्शन आ रही है नीचे वालों को और वो फील्ड पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अपवर्ड क्या होता है? अपवर्ड ये होता है कि आप लोग जो है वो मुझे जैसे अप्रोच करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों को जैसे ये कि क्लास की टाइमिंग्स जो है वो सूट नहीं कर रहे थे, ठीक है, तो आप लोगों ने से जो है वो डायरेक्ट मुझे अप्रोच किया कि मिस चेंज कर दें। तो यानी कि ये नॉन डायरेक्टिव था, यानी कि आप लोग जो है वो एज अ स्टूडेंट टीचर के पास डायरेक्ट वॉक करके गए और आपने अपनी मसलियत को जो है वो सॉल्व किया। लेटरल और हॉरिजॉन्टल क्या होता है? आपके खुद के पियर्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि आप और आपके कॉलीग सब एक ही लेवल पे। आज BSCN में हम सब 50 स्टूडेंट्स हैं, तो हम ईयर 4 तक भी जो है वो सब 50 रहेंगे और इंशाल्लाह ताला हम जो है वो ग्रेजुएट होंगे। ठीक है, सो मोड ऑफ इंफॉर्मेशन में हमारे पास कम्युनिकेशन में क्या आ रहा होता है? मोड ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे पास वर्बल एंड नॉन वर्बल आ रहा होता है, ये हमने डिस्कस किया था। वर्बल में फिर हमने बात की थी कि ओरल और रिटन आता है। दिस इज जस्ट अ रीकैप, आई एम डूइंग इट, समराइजेशन हम कर रहे हैं ताकि ये कि आपको आसानी हो, क्विक कर रहे हैं। ठीक है, ओरल में हमने बात की थी कि बहुत बहुत से तरीके होते हैं इसमें, फेस टू फेस होता है, कॉन्वर्जेशन होता है, स्पीच होता है, टेलीफोनिक होता है, वीडियो है, रेडियो है, टेलीफोन है, ठीक है, इंटरनेट है, दीज ऑल आर थिंग्स आर कमिंग इन दिस। एल्स इन दी ओरल इफ यू लुक इन टू इट, तो हर चीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। We all should know this कि on the priority oral communication हमेशा आपका time saving होता है। ठीक है, लेकिन ये कि अगर आपके पास कोई documentation नहीं है, ठीक है, तो इसकी कोई legal authority नहीं रहती जिस पे हमने बात की थी। But yet oral के पास एक ये होता है कि वो आपकी secrecy यानी कि वो राजदारी maintain कर सकता है। ठीक है, आपके पास रिटन में क्या होता है? रिटन कम्युनिकेशन में आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंटेशन हो रहे होते हैं, आपके पास जो है वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि अगर लेट से हमने बात की थी कि पब्लिक हॉलीडे की अगर छुट्टी है तो मेमो निकलता है जो कि सबके लिए वो इंफॉर्मेशन आम होती है। ठीक है, लेटर आपकी अप्रिसिएशन का, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका GPA 4 आया है तो आपको वर्टेक्स कॉलेज की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से आपको लेटर मिलता है। ठीक है, रिटन इंस्ट्रक्शंस अगर आप क्लिनिकल साइट पे जा रहे हैं, या यू कैन से कि आप जो है वो कोई फील्ड पे जा रहे हैं तो एक परफॉर्मा फिल करते हैं, तो आपके पास एक SOPs होती है कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी होती है। नोट्स कैन बी एनीथिंग, आप पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं, आप जो है वो नर्सिंग नोट्स लिखते हैं, रिपोर्ट्स इज लाइक के जैसे ब्लड टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड है, डायग्नोस्टिक्स है, वो सब इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरा ये कि आपका इवैल्यूएशन, ठीक है, वो भी इसमें जो है वो शामिल होता है। जर्नल इज समथिंग द इंफॉर्मेशन यू हैव, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग लैब्स करते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी का लैब है उसका आपके पास जर्नल होता है, आपके पास बायोकेमिस्ट्री का जर्नल होता है, सो यू आर मार्किंग ऑल द एक्सपेरिमेंट्स और उसको आप जो है वो जॉटिंग कर रहे होते हैं, यानी कि आप उसको लिख रहे होते हैं। ठीक है, अगेन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस विद दिस कि हमारे पास जो है वो राइटिंग के, आई एम सॉरी विद दिस, यस,
सो राइटिंग के हमारे पास कौन कौन से एडवांटेजेस हैं? राइटिंग इज ऑलवेज देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज, ठीक है, और डेलीगेशन अथॉरिटी होता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है जो पढ़े लिखे नहीं है. ये हमें ज़रूर अपने दिमाग में रखना है, ठीक है. नाउ लेट्स बिगिन विद द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. एक मैं आपको मज़े की बात बताती चलूँ कि एक इंसान जो है वो 70,000 वर्ड्स जो है वो अपने दिमाग में स्टोर कर सकता है, और पूरी ज़िंदगी जो है वो इसी पे प्ले गेम कर सकता है, यानी कि वो ऑब्जेक्टिविटी क्रिएट करके और अपनी बातचीत को जो है वो एक वर्ड्स क्रिएट कर सकता है जिसमें एक्सप्रेशंस, इमोशंस, फीलिंग्स जो है वो सब एड ऑन होती है. लेकिन अगर एक अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें, जो कि हम बात हो रही है, तो 5 साल से आपके पास जो है वो बच्चा बहुत ज़्यादा, उसका ग्रे मैटर उसके ब्रेन में बहुत ज़्यादा जो है वो स्टिमुलेट हो रहा होता है, उसमें न्यूरॉन्स एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही होती है. तो उसमें ये होता है बेसिकली ये कि आपके पास जो है वो एक छोटा बच्चा जिसकी 3 साल से उम्र है और टिल लेके जो है वो आपके पास 7 ईयर्स तक, वो एटलीस्ट 7 लैंग्वेज पे जो है वो कमांड ले सकता है, ठीक है, और जो है वो एटलीस्ट कम से कम 2 लाख से ज़्यादा वर्ड बैंक का इस्तेमाल करता है, ठीक है. और 3 साल से 4 साल का बच्चा जो है वो रोज़ तकरीबन 50 से 100 और इससे ज़्यादा भी जो है वो अल्फाज की मेमोराइजेशन भी कर सकता है और इसको हिफ्ज भी कर सकता है. सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि आपको इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा मिलेगा ECD के नाम से, अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से, ठीक है, जिसमें आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ठीक है. और जो है वो आप लोग अक्सर देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे के डे केयर का कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ हुआ है, ECD का प्ले ग्रुप का कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ हुआ है. बिकॉज 6 ईयर्स में हम बच्चे को अगर स्कूल भिजवाते हैं तो उसका माइंड सेट जो है वो फिक्स्ड हो जाता है और उसकी न्यूरॉन कैपेसिटी जो है ना वो इतनी ज़्यादा स्टिमुलेट नहीं होती है. तो आइडियली इट्स लाइक कि बच्चे को आपको 1 साल के बाद, एक फर्स्ट बर्थडे के बाद उसको स्कूल भेज देना है, ठीक है, ताकि ये कि वो एक इन्वायरमेंट से जो है वो यू कैन से कि जेलोपिन हो जाए और साइमेंटेनियसली ये कि उसकी स्किल्स जो है जिसमें कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग, ये दोनों जो है ये सारी चीज़ें उसके अंदर जो है वो इंडल्ज हो जाए, ठीक है. अब लेट्स सी व्हाट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज समथिंग सेंडिंग एंड रिसीविंग, ठीक है, जिसमें वर्डलेस मैसेजेस होते हैं, सही, जिसमें जेस्टर, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, आपका टोन, आपका वॉइस और आपका फेशियल एक्सप्रेशंस होता है. स्टडीज बताती है कि सिर्फ और सिर्फ 7% आप जो है वो अल्फाज की अदायगी करते हैं, बाकी 93%, ठीक है, आप जो है वो नॉन वर्बल यानी बगैर बात किए हुए जो है वो आप सामने वाले को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जिसमें आपका हंसना, मुस्कुराना, आपका जो है वो मूड खराब होना, आपका रोना, आपका अपसेट होना, आपका हैरान होना, ये सारी वो चीजें हैं, सारे वो एक्सप्रेशंस हैं जो आपके साथ होते हैं, ठीक है. नाउ लेट्स सी, यू कैन सी दिस कि जैसे ये बंदा जो है अगर हम यहाँ पे देखें तो ये दुआ मांग रहा है, राइट, दिस इज नॉन वर्बल जेस्चर एंड वी केम टू नो हो सकता है कि ये परेशान है, ठीक है, ये बंदा जो है वो रो रहा है, ठीक है, और ये परेशान है, अकेला बैठा हुआ है, ये गुस्से में है, ये छुप के कुछ देखने या सुनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ये कुछ भूल गया है या गुस्से में है या इरिटेट हो रहा है, तो अपने माथे पे हाथ रख के अपने आप को पीट रहा है, ठीक है. सो दीज आर द नॉर्मल जेस्टर्स, मे बी वी ऑल शुड, यू नो, हम जो है वो सब अपनी डेली लाइफ में इसको कमांड कर रहे होते हैं. सो नॉन मोबल में बेसिकली हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं. नॉन मोबल कम्युनिकेशन में बेसिकली हमारे पास जो है वो 3 एलिमेंट्स जो है वो खास तौर पे बहुत ज़्यादा जो है वो देखे जाते हैं. सबसे पहले हमारे पास अपीयरेंस होता है, ठीक है, अपीयरेंस इज समथिंग के जो दिख रहा है, ठीक है, जैसे मैं अगर आपको दिख रही हूँ तो मैंने क्लोदिंग कैसी पहनी है, मैंने कपड़े किस तरह के पहने हैं, मैं किस कल्चर से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, मेरा हेयर स्टाइल कैसा था, मेरी सफाई सुथराई कैसी थी, और दूसरा ये कि मैंने किस तरह की कॉस्मेटिक्स जो है, ज्वेलरीज हैं या मेकअप है. फॉर एग्जांपल जैसे मैं फीमेल हूँ तो ये मैं अपनी फीमेल एक्सेसरीज बता रही हूँ, आप लोग अगर मेल हैं तो आपने वेदर के हिसाब से क्लोदिंग की है कि नहीं की है, आपने एक्स्ट्रा जो है वो ज्वेलरी तो नहीं पहनी है, आपने जो है वो कड़े शड़े रिंग्स वगैरह तो नहीं पहनी, ठीक है. तो दिस इज समथिंग अपीयरेंस, ठीक है, हम सबको पता है कि अगर हमें कॉलेज आना है तो हमें जो है वो फॉर्मल ड्रेस में आना है, अगर पिकनिक पे जाना है तो हमें जो है वो यू कैन से कि हम अच्छे से जो है वो कैजुअल में जाएंगे,
ठीक है, ऐसा तो नहीं कि हम जो है वो समंदर की जगह पे घूमने जा रहे हैं और हम जो है वो शेरवानी पहन रहे हैं, ठीक है, या खुदा न खास्ता हम किसी के जनाजे में जा रहे हैं तो हम सूट पहन के जा रहे हैं, ठीक है, या रेड कलर पहन के जा रहे हैं. सो दिस इज़ ऑल लाइक हमारी क्लोथिंग्स जो है वो बहुत मैटर करती है, ठीक है, और हर सीज़न हर ओकेजन के हिसाब से होती है. नाउ व्हाट कुड बी योर सराउंडिंग्स, आपकी सराउंडिंग्स क्या होती हैं, आपका रूम साइज बहुत मैटर करता है, ठीक है, रूम साइज़ क्यों मैटर करता है, जैसे मरीज जो है वो बेसिकली हॉस्पिटल में होता है तो क्या आया उसको प्रॉपर लाइटनिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है, कर्टन्स जो हैं वो प्रॉपर प्लेस्ड हैं कि नहीं है, ठीक है, उसे वो एक्चुअल जगह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, डेकोरेशन हॉस्पिटल में खुदा न खास्ता ICU में बहुत ज़्यादा जो है वो दीवार पे कार्टून्स या ऐसी फ़नी चीज़ें तो नहीं लगी हुई हैं, ठीक है, सो नहीं. लेकिन अगर मैं पीज वार्ड्स में जाती हूँ तो मुझे पता है कि बच्चों के लिए जो है वो एक टेलीविज़न का भी जो है वो एहतमाम हुआ है और साइमल्टेनियसली दीवार पर भी कुछ अट्रैक्टिव कलरफुल्स जो हैं वो कार्टून्स बने हुए हैं या सीनरीज बनी हुई है, क्योंकि बच्चों को जो है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. लेकिन अगर मैं ICU की बात करूँ तो वहाँ पर कुरान की जो है वो कैलीग्राफी की फ्रेम मौजूद होगी, ठीक है, वहाँ पर घड़ी मौजूद होगी. फर्नीचर किस तरह का है, ठीक है, फर्नीचर हम सबको पता है कि हॉस्पिटल में यूजुअली ब्राउन वाइट इस तरह के कलर्स होते हैं. अब ऐसा तो नहीं है ना कि गोल्डन आ रहा है या सिल्वर आ रहा है, ठीक है, तो दैट्स वेरी मैटर. डिस्टेंस जो है वो हम सबका कितना मेंटेन है, ठीक है, आइडियली 3 to 6 feet जो है वो नॉर्मली डिस्टेंस होता है पर बेड के हिसाब से. गैदरिंग किस तरह की है, यानी कि वहाँ पर लोग किस तरह के काम करते हैं और हम किस तरह से लोगों से मिलते हैं, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, ठीक है. बॉडी लैंग्वेज हम सबकी किस तरह से, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, हमने जो है वो मरीज को ग्रीट किया सुबह जाके, हमने स्माइल किया, या खुदा न खास्ता जो है वो अगर एक ICU पेशेंट है और जो है वो आपने बहुत अजीब सी शक्ल बनाई और आपने कहा कि ओ मुझे आज इस पूरी शिफ्ट में कितना मुश्किल पेशेंट मिल गया, ठीक है, आपके जेस्टर्स यानी कि आप किस तरह से किसी को हेल्प आउट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आप जो है वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं, ठीक है, और आप जो है वो NICU में असाइंड है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आपको जो है वो एक यूनिट मेडिकल सर्जिकल वार्ड से एक आंटी मिलती है रास्ते में, वो कहती है कि बेटा जो है ना वो आप प्लीज़ इस पेशेंट को आके देख लेंगे, मुझे यहाँ पे कोई देख नहीं रहा. आप हो सकता है ये भी कहें कि जी मैं यहाँ पे असाइन नहीं हूँ, ठीक है, या आप हो सकता है कि उनके साथ चले जाएंगे और आप उनसे उनको मदद करेंगे या अपने किसी कॉलीग से कहेंगे कि आप इस मरीज को देख लें, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे असाइंड है. सो ये किस तरह के जेस्टर्स थे, आपका हेल्पिंग जेस्टर था, आप काइंड थे, आप जो है वो रिग्रेट थे, यानी कि यू वर नॉट श्योर कि आप वहाँ पे जाना चाहते थे कि नहीं चाहते थे, आपका पॉइस्चर किस तरह से था, आप खड़े किस तरह से हैं, आप बैठते किस तरह से हैं, आप हाथों का हैंड मूवमेंट किस तरह से करते हैं, आई कॉन्टैक्ट इट्स वेरी मैटर्स, ठीक है. नाउ वी नीड टू बी अंडरस्टैंड कि आई कॉन्टैक्ट, अब हम सबको पता है कि मैं अगर आप लोग सबको फीमेल वार्ड में प्लेस करूँ और आपसे कहूँ कि जी आप उससे हिस्ट्री लें तो मे बी कल्चरली आप उसे आई कॉन्टैक्ट फीमेल से मेंटेन नहीं करेंगे, या जो फीमेल BSEN स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे कहूँ कि आप मेल की हिस्ट्री लें, ठीक है, तो मे बी यू पीपल आर नॉट कम्फर्टेबल, क्योंकि कल्चरली जो है वो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना हम सबके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट वी नीड टू लुक इन टू इट कि बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हो रही है, बिकॉज इट इज़ द इवेंचुअली साइन ऑफ द डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन का साइन होता है, आइसोलेशन का साइन होता है, एंजाइटी का साइन होता है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जो है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. साउंड में टोन, वॉल्यूम एंड स्पीड, ओके, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो लेट्स सी के एलिमेंट्स ऑफ प्रोसेस जो है वो कम्युनिकेशन की किस तरह से. अब सबसे पहले हमारे पास सेंडर आता है, सेंडर दिमाग में सोचता है, उसकी एनकोडिंग करता है कि मुझे बोलना क्या है, और ये कुछ नैनो सेकंड्स में होता है, फिर वो मैसेज जनरेट करता है, ठीक है, मैसेज जनरेट के बाद यहाँ पे आपके पास आ जाता है जनाब चैनल. चैनल क्या था, जिनसे आपको बात करनी थी, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है रिसीवर. अब रिसीवर आपने, हो सकता है कि यहाँ पे ये आप नर्स हैं, आपको ये डॉक्टर को जो है वो उसकी दवाई के बारे में बात करनी है, तो ये चैनल आपका डॉक्टर था, डॉक्टर ने आपका मैसेज रिसीव किया और उन्होंने कहा कि जी मैं कंसल्टेंट से बात करूंगा और इनकी दवाइयों पे काम कर सकता हूं कि हम इसको चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. तो रिसीवर में डिकोडिंग हुआ, उन्होंने आपका मैसेज समझने की कोशिश की, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने फीडबैक दिया, ठीक है, कि शायद पॉसिबल हो सकता है कि हम इनकी दवाइयों को चेंज कर सकते हैं या हम जो है वो इसी पे इनको चलाते हैं. और चैनल क्या था, व्हाट वाज द चैनल, आपने किससे बात की थी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड अगेन ये सेंडर बन सकता है, क्योंकि हो सकता है कि ये इंफॉर्मेशन आगे डिसमिनेट हो, यानी कि आगे देने की हो, ठीक है.
अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आता है, प्रॉब्लम पता है यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, यहाँ पे ये बैरियर आ जाता है। आपका मैसेज तो पहुँच गया लेकिन चैनल और फीडबैक में आके फंस जाता है, यानी कि रिसीवर ने ये मैसेज आगे तक पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया, ठीक है, और चलो पहुँचा भी दिया लेकिन ऊपर तक आपकी आवाज़ पहुँची कि नहीं पहुँची, अगेन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ा बैरियर आ जाता है, या आपने जो कहा वो सामने वाले को समझ में नहीं आया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकोडिंग तो हो गई लेकिन इस चैनल वाले को समझ में आया आपका मैसेज कि नहीं आया, ठीक है। अगेन रिसीवर ने कहा कि ठीक है मैं आगे आपकी इंफॉर्मेशन पहुँचाता हूँ, हो सकता है उसने आधी बात पहुँचाई और आधी बात नहीं पहुँचाई, तो अगेन यहाँ से आपका मैसेज टूट गया चैनल में, और जब उसे सेंड किया तो हो सकता है कि उसने जो है वो आधी अधूरी बात पहुँचाई, ठीक है। सो ये दोनों वो चीज़ें हैं कि जहाँ पे ये इश्यूज आपके साथ जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। अगेन नाउ व्हाट काइंड ऑफ द बैरियर्स वी हैव, ठीक है, इन चीज़ों का देखना जो है वो हम सबको ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना, ठीक है। इन चीज़ों का जो है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फिज़िकल बैरियर आप जो है वो किस तरह का जो है वो बात कर रहे होते हैं, ठीक है। फिज़िकल बैरियर में अगर आप देखें कि हो सकता है अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो आप बात कर रहे हैं किसी से, फॉर एग्जांपल आप हैं और आप एक पेशेंट को लेके जा रहे हैं, ठीक है, और आपने एक मरीज को शिफ्ट कराया, ठीक है। अब आपने क्या किया कि इतनी दूर से मैसेज का हो सकता है कि आपने ओवर ठीक नहीं किया। अब इस पिक्चर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये दोनों ख्वातीन बैठी हुई लेकिन बीच में इनका बैरियर क्या है, दीवार, ठीक है, और ये है फिजिकल बैरियर। तो हो सकता है कि आपने अगर ओवर दिया हो या कुछ ऐसी चीज़ हुई हो जिसकी वजह से सामने वाले को समझ नहीं आया हो, ठीक है। सो एनी काइंड ऑफ रीजन कुड बी, ठीक है। दूसरी चीज़ में एक को हियरिंग का प्रॉब्लम है, सुनने का मसला है, एक को बोलने का इशू है और एक को सुनने का इशू है, ठीक है। अगेन ये दोनों फिजिकल बैरियर्स में आपकी चीज़ें आती हैं कि एक बोल नहीं सकता और एक सुन नहीं सकता, ठीक है। परसेप्शनल बैरियर क्या हो सकता है, परसेप्शनल बैरियर इज समथिंग कि आपने पूछा क्या और आपको जवाब क्या मिला, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मैंने जो है वो इंस्पेक्टर साहब से कहा कि जी मुझे जो है वो लियारी एक्सप्रेस का रास्ता बता दें, ठीक है, तो उनको शायद कुछ और समझ में आने का, लियारी हॉस्पिटल, अच्छा चले यहाँ पे मैं आपको पहुँचा देता हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि उनको या तो लैंग्वेज प्रॉब्लम था, ठीक है, या उनको समझ में नहीं आया, या जो है वो हम दोनों की जबान जो है वो मैच नहीं कर सकती थी, तो ये भी चीज़ें हो सकती थी। इमोशनल बैरियर क्या हो सकता है, इमोशनल बैरियर इज समथिंग आपके पास जो है वो ये आता है, जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर वन मिनट, ओके। इमोशनल बैरियर में आप जो है वो बहुत परेशान हैं, आपको डर लग रहा है, ठीक है, गिल्ट हो रहा है, ठीक है, आप पेशेंट एरिया में असाइंड हैं, ठीक है, और आप ये कह रहे हैं कि मेरी वजह से जो है वो ये गलत हो गया या इस तरह से हो गया, ठीक है, या आपके घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे, ठीक है, और आपने जो है वो अपना काम अच्छे से नहीं किया, तो ये एक इमोशनल बैरियर है कि आप मेंटली फिट नहीं हैं और आप जो है वो काम करने के लिए आ रहे हैं, तो ये भी अगेन जो है वो इमोशनल बैरियर है। और हम सबके साथ ये मसले मसाइल होते हैं कि जिसमें हम परेशानी, अपनी गिल्ट, अपने फियर्स और हम सब वर्क प्लेस पर लेकर आते हैं और जिसकी वजह से हमें काम में दिक्कत होती है। कल्चरली क्या हो सकता है, फीमेल जो है वो कल्चरली हैंडशेक नहीं कर सकती, ठीक है, बट यू कैन सी कि दिस इज़ द बोल्ड वुमेन जो मैन से कर रही है, बट इनका कल्चर ये कि वुमेन जो है वो हाथ नहीं मिलाती, उनसे हम हैंडशेक नहीं करते, ठीक है। सो इंशाल्लाह अगर हम वहाँ पे आएंगे आपके साथ तो इसके साथ हम बहुत सारे रोल प्लेज और एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे आपको और मज़ीद बेहतर समझ में आ जाएंगी ये वो चीज़ें, ठीक है, क्योंकि वंस यू विल परफॉर्म विद द रोल प्ले तो आपको चीज़ें समझ पाएंगी, ठीक है। सो दिस इज़ अगेन अ कल्चरल बैरियर, ठीक है, मे बी हो सकता है कि आप फीमेल वार्ड में काम नहीं कर सकते, ठीक है, ये भी हो सकता है। लैंग्वेज बैरियर, जैसे मैं आपके साथ लैंग्वेज बैरियर हूँ, आई कैन नॉट स्पीक पश्तू, ठीक है, मैं उर्दू और इंग्लिश बोलती हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपको ज़्यादा अपनी ज़बान समझ में आती हो और आपकी ये ख्वाहिश हो कि मिस हमारी लैंग्वेज में हमें समझाएं,
ठीक है। सो यहाँ पे आप देखें कि ये हेलो बोल रही है, ये हाय बोल रही है, और ये फ्रेंच बोल रहे हैं, ठीक है, ये चाइनीज बोल रहे हैं। सो यहाँ पे अगेन दिस इज अ लैंग्वेज बैरियर कि हर तरह के अलग अलग लोग हैं। जेंडर बैरियर, जेंडर बैरियर पर्सनल स्पेस, एक फीमेल यूनिट में फीमेल कहती है कि जी आप किसी फीमेल स्टाफ को बुला दें, ठीक है, आप उनसे कहते हैं कि नहीं जनाब आप जो है वो होटल में नहीं आई हैं, आपको मुझसे ही जो है वो अपना काम कराना पड़ेगा, मैं आपके वाइटल्स लूँगा, आपको शावर करवाऊँगा, असिस्ट करवाऊँगा, और आपको जो है वो यू कैन से कि मैं ड्रिप लगवाऊँगा, बट फीमेल इज़ नॉट कम्फर्टेबल, ठीक है। सो जेंडर बैरियर इज़ अगेन अ इशू, सही है। तो कल्चर इंटरप्रिटेशन, सोशल इशूज़ हो सकते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के इशूज़ हो सकते हैं, कल्चरल रिस्पॉन्स इशूज़ हो सकते हैं, साइलेंस का मसला हो सकता है, या पर्सनल स्पेस का इशू हो सकता है। सो जेंडर बैरियर इज़ अगेन अ वेरी बिग प्रॉब्लम टू वर्किंग एट द वर्क प्लेस, और हॉस्पिटल को इस पॉलिसी को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे स्पेशली ऑब्जन गाइनी में, जैसे माँ एक बच्चा पैदा करती है तो उसे लेबर रूम में या उसे फीडिंग रूम में फीमेल असिस्टेंट या फीमेल नर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो वी शुड लुक आफ्टर कि इन चीज़ों में हमारे पास फीमेल स्टाफ जो है वो पूरा होना चाहिए। ओके, इंटरपर्सनल बैरियर्स, आप जूनियर हैं और आपका ग्रेजुएशन हो गया है, आपको सीनियर स्टाफ कहते हैं कि जी आईसीयू में ये पेशेंट है, इसको देख लो, मैं टी ब्रेक लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, और खुदा न खासा वो पेशेंट की जो है वो सडनली क्रैश हो जाता है, उसका डेथ होने लग जाता है, और वो पूरा इल्ज़ाम बोझ जो है वो सब आप पे आ जाता है, ठीक है। वो आपसे कहते हैं कि ये जनरेशन गैप है, तुम अभी अभी आए हो और तुम्हें काम नहीं आता, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन, आपने उसको बुलाया लेकिन आपके स्टाफ ने आपको सुना नहीं। एनजाइटी क्या थी, यू आर नॉट श्योर कि आपको कौन सा मेडिकेशन देना था। लैक ऑफ इंटरेस्ट था, सीनियर ने कहा कि जूनियर को कि तुम्हें सीखना है, हम तो सीख चुके हैं, ठीक है। पुरानी टेक्निक्स एंशंस थी, बहुत सारा नॉइस था, ठीक है, अजम्पशंस बहुत सारे थे, मिसकंसेप्शंस, मतलब ही वॉज नॉट श्योर अबाउट इट, उसके शायद ऐसा हुआ था और उसने आपके साथ भी ऐसा कहा। पुअर लिसनिंग, जब आपने हेल्प मांगी तो किसी ने भी नहीं सुना, और डिस्ट्रैक्शन कि जाओ तुम अपना काम करो, ठीक है। तो अगेन इंटरपर्सनल बैरियर्स भी हमें वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा कॉमन मिलते हैं, और जूनियर सीनियर की डिस्क्रिमिनेशन हम सबको बहुत ज़्यादा सुनने मिलती है। कमिंग बैक अगेन, वॉट इज द हियरिंग एंड लिसनिंग इज, सो हियरिंग इज समथिंग द फिजिकल प्रोसेस एंड नेचुरल, ठीक है, जो कि परसीव किया जाता है, जो कि जनरल होता है, यानी कि अभी मुझे आवाज़ आ रही है, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कहीं थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है, और मैं टीवी की आवाज़ सुन सकती हूँ, विच इज़ वेरी जनरल, जो कि नेचुरल प्रोसेस है और कान में जा रही है। लिसनिंग क्या होता है, लिसनिंग इज समथिंग फिजिकल, ठीक है, इसमें आपका मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और एक्टिव लर्न प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, आपकी स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। सो दो लोग जो हैं जिसमें एक केयरफुली सुन रहे हो एक दूसरे को, और मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व हो, और जहाँ लर्निंग प्रोसेस भी इन्वॉल्व हो, जैसे हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग जब ये वीडियो ऑन करेंगे तो हियर करेंगे, बट जब टीचर कहेगी कि बेटा मैं इसमें से आपका असाइनमेंट लूँगी, आपका एग्जाम इसी में से आना है, तो हो सकता है कि आपकी लिसनिंग स्किल्स बेहतर हो जाए और आपके लेक्चर प्रॉपरली सुनेंगे, बेहतर तरीके से सुनेंगे, और आप इसमें नोट्स भी लेंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लिसनिंग एंड हियरिंग। वैल्यू ऑफ लिसनिंग क्या होती है, वैल्यू ऑफ लिसनिंग में बेसिकली लिसन टू अदर्स इज द एलिगेंट आर्ट, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है, और हम नर्सेज के पास सबसे ज़्यादा होना चाहिए, हमें एक अच्छा लिसनर बनना है, ज़्यादा बोलना नहीं है। गुड लिसनिंग रिफ्लेक्ट करती है आपके अच्छे मैनर्स को, ठीक है, लिसनिंग केयरफुली इंस्ट्रक्शंस यानी सुपरवाइजर को सुनना हमारी कॉम्पिटेंसी, हमारे काम की कॉम्पिटेंसी और हमारी परफॉर्मेंस को जो है वो बेहतर करती है। अगर हमारी लिसनिंग अच्छी नहीं है तो हमारी स्किल्स भी ख़राब हो सकती हैं, और बिजनेस एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो लोग हमसे सर्विसेज ले रहे हैं वो भी हमसे ताल्लुक़ नहीं रखना चाहेंगे, ठीक है। अच्छी लिसनिंग हमेशा आपके सोशल रिलेशनशिप को अच्छा करती है, और हमेशा जो है वो आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है। सो लेट्स से व्हाट द लेटर आई हैव, लेटर इज एल फॉर लुक एट द स्पीकर, आप जिससे बात कर रहे हैं आप उसको देखिए गौर से। ए इज ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है समझने में तो आप क्वेश्चन पूछें, लेकिन बात खत्म हो जाए, ऐसा ना हो कि जब वो बात कर रहे हो और आप इंटरप्ट करें, डू नॉट इंटरप्ट, ठीक है। बी डू नॉट चेंज द सब्जेक्ट, आप वो कुछ आपसे सीरियस बात कर रहे हैं और आपने जो है वो सब्जेक्ट चेंज कर दिया, ठीक है। इमोशन कंट्रोल्स, आपके इमोशनल कंट्रोल्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन रिस्पॉन्सिव लिसनिंग यानी कि जो आपने सुना और उसका प्रॉपरली जवाब दिया। सो हाउ टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ कम्युनिकेशन,
एग्जिस्टिंग कम्युनिकेशन में आपकी लैंग्वेज जो है वो इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपकी ज़बान साफ़ होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन आपका तलफ़ुज़ जो है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए. ठीक है, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन, आपकी आवाज़ में उतार चढ़ाव बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए. बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, आपके हाथ हिलना जुलना, खड़ा होना, ठीक है, बैठना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. रीड मोर, आपके पास रेफरेंसेस होने चाहिए, आपके पास किताबों का रेफरेंस होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए. आप ज़्यादा सुनें, ठीक है, अच्छे लोगों से मिलें, क्वालिटेटिव लोगों से मिलें, सोचें और फिर बात करें. ठीक है, जल्दी जल्दी ना बोलें. ठीक है, आसान अल्फाज का इस्तेमाल करें और इम्प्रेस करने के लिए किसी को बात ना करें. ठीक है, प्रेजेंटेबल रहें और कॉन्फिडेंट रहें. और अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप सिंपल मना कर दें rather than कि आप किसी को मिसगाइड करें. ठीक है, सो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन व्हाट इज इट एक्चुअली. ठीक है, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन इज अ डिफाइंड टू अ फेस टू फेस प्रोसेस. ये आपका फेस टू फेस प्रोसेस है जिसमें आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, आपके पास जो है फिजिकल इमोशनल वेलबींग इन्वॉल्व होता है और जिसमें पेशेंट इन्वॉल्व होता है. ठीक है, आप ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग को, आपके कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप यानी कि नर्स और क्लाइंट के रिलेशनशिप को जो है वो बेहतर करता है. सही है, गुड नर्स पेशेंट जो है वो हमेशा मल्टीपल इम्पैक्ट से बात करता है, आपके हेल्थ आउटकम्स होंगे इससे, इसमें आपका कंप्लाइंस अच्छा होगा, आपकी थेरेप्यूटिक रेजिमेंस, आपकी स्किल्स जो है वो सामने आएंगी, मरीज का जो है वो बेहतर सेहतियाब होके वो घर जाएगा और आपका क्लाइंट सेटिस्फेक्शन रेट जो है वो भी और ज़्यादा बेहतर और मुफीद होगा. सो थेरेप्यूटिक एनवायरमेंट में सबसे पहले आपको मरीज की जो है वो प्राइवेसी, ठीक है, उसकी प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे आपसे कहती हूँ कि हम लड़की औरतों का जब फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा यू कैन से कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं. ठीक है, लेकिन जब हम मेल का फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं हम कहते हैं कि छोड़ो, उसे ना चादर उड़ानी है ना कुछ, और जैसे ही हम जाते हैं और हम उसका शर्ट रिमूव कर देते हैं और हम उसको देखना शुरू हो जाते हैं. नो, यू हैव टू सीक द परमिशन, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों की प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा देखना ज़रूरी है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है वो कहते हैं कि मर्दों को फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, हमारे यहाँ पे एक स्टीरियोटाइप का इस्तेमाल होता है, तो वी नीड टू लुक इनटू इट के डिग्निटी यानी कि इज्जत मर्द की भी होती है और औरत की भी इतनी होती है, और वर्क प्लेस पे हम दोनों को प्राइवेसी का ख्याल रखना है. ठीक है, एस्टेब्लिश ट्रस्ट, आप जो है वो एतमाद में लेते हैं. ठीक है, आप अपना नाम बताते हैं, अपनी डिजिग्नेशन बताते हैं, आप अपना टाइम जो है वो बताते हैं कि मैं यहाँ इस डेट से इस टाइम पे यहाँ पे अवेलेबल हूँ, तो क्या ये ट्रस्ट डेवलप हो रहा है कि आप कंसर्न शो कर रहे हो. मरीज को इमोशंस यानी कि उसकी इमोशंस, उसके एहसास जो है वो आप अलाउ कर रहे हो. ओपन एंडेड क्वेश्चंस यानी कि आप उससे ओपन डिस्कशंस रख रहे हो और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रख रहे हो. डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नॉइज़ नहीं होना चाहिए, और फिजिकल बैरियर में यानी कि आप मरीज से बात कर रही हैं, आप चोली जो है वो हटा रही हैं, आप जो है वो बेड हटा रहे हैं, ठीक है, या इक्विपमेंट इधर उधर रख रहे हैं और आप उससे बात कर रहे हैं, तो हम क्या उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे. वी नीड टू रिस्पेक्ट एंड वी नीड टू लिसन टू ईच अदर. ठीक है, सो मेंटेनिंग साइलेंस, अगेन खामोशी का इस्तेमाल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, लिसनिंग अटेंटिवली, हमें जो है वो गौर से सुनना है. कन्वेइंग एक्सेप्टेंस, हमें जो है वो सामने वाले को अगर वो कोई कंप्लेन कर रहा है तो हमें आर्ग्यू नहीं करना है, हमें एक्सेप्ट करना है कि ठीक है ये हो सकता है और मैं इसको देख सकती हूँ या मैं देख सकता हूँ. स्पेसिफिक रिलेटेड क्वेश्चंस, अगर कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो आप उसके रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछेंगे. रीस्टेटिंग यानी कि आप जो है वो उसे रिपीट भी कर सकते हैं, और पैराफ्रेजिंग यानी कि अच्छा जी आपका कहने का मकसद ये था तो मुझे क्या ये समझ में आया है. ठीक है, क्लैरिफाइंग, आप जो है ठीक है सर आपने दवाई खाई, आपने ये बताया, आपने बताया कि 3 साल पहले आपका ऑपरेशन हुआ था, क्या ये मैं ठीक कह रहा हूँ या मैं ठीक कह रही हूँ. ठीक है, यू हैव टू क्लैरिफाई. फोकस्ड, यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली. ठीक है, मरीज अगर अपनी कोई पर्सनल बात बता रहा है तो यू हैव टू बी मोर फोकस्ड. एक्नॉलेजिंग, शाबाश आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप घर पर जो है वो जल्दी जाएंगे, आप सेहतियाब हो रहे हैं, अल्लाह जो है वो आप पे जो है वो आपको हिम्मत दे रहा है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. ठीक है, सो यू हैव टू एक्नॉलेज ऑल द टाइम. ठीक है, स्टार्टिंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है आप मरीज का ऑब्जर्वेशन देख रहे होते हो. फोकस, अगेन फोकस. ऑफरिंग इन्फॉर्मेशन, आप हॉस्पिटल के बारे में बताते हो कि जी इसके खाने के औकात ये हैं, जो है वो डिनर के औकात ये हैं, दवाई के औकात ये हैं, मुलाकात के औकात ये हैं, यहाँ पे ये डॉक्टर आता है इस तरह से. ठीक है, शोइंग एम्पैथी,
आप जो है वो सामने वाले का दर्द जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सही. रिफ्लेक्टिंग, मरीज आपसे अगर कुछ बात कर रहे हैं तो आप उसे कहते हैं कि ओके वाओ, ठीक है, यानी कि सर आप बताना चाह रहे थे कि आपके साथ ये हुआ था, ठीक है, तो आप प्लीज़ बता सकते हैं. एंड समराइजिंग द होल थिंग्स, यानी कि अच्छा तो सर आपने बताया कि आपकी शादी को 5 साल हो गए, आपके 2 बच्चे हैं, आप जो हैं वो फिशरी में काम करते हैं, आपका सैलरी ये है, अभी आप इस प्रॉब्लम के साथ आए और आपको फर्दर असिस्टेंस या हेल्प इस चीज़ में चाहिए. सो यू हैव टू समराइज द होल सिनेरियो, ओके, एंड दिस कुड बी अ वेरी थेरेप्यूटिक दैट यू आर लिसनिंग. ओके, अगेन आई एम सेइंग कि लिसनिंग इज अ की पॉइंट एज अ नर्स और हम सब में होना चाहिए. नॉन थेरेप्यूटिक, आस्किंग वाई क्वेश्चंस, पर्सनल क्वेश्चंस. सही है, मरीज इज नॉट कंफर्टेबल टू टॉक, आप उसे अपना बहुत पर्सनल क्वेश्चंस पूछ रहे हो, ठीक है. पर्सनल ओपिनियन, ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, आप ये ट्राई कर लें, ये मेरे रिश्तेदार हैं, मैं आपको देख लूँगा या मैं देख लूँगी. चेंजिंग सब्जेक्ट, मरीज आपसे जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस बात कर रहा है कि ठीक है उसके अम्मी अबू का इंतकाल हुआ था और वो ट्रॉमा में था, आप उसे कह रहे हैं अच्छा आपकी शादी कब हुई थी, आपके बच्चे कब हुए थे, है ना. ये चेंजिंग द सब्जेक्ट्स. आर्ग्यूइंग, नहीं ये नर्स तो ऐसी नहीं है, ये तो अवार्ड विनिंग नर्स है, सर आपको गलती हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है. स्टीरियोटाइप, मर्द को दर्द नहीं होता, औरत रोती रहती हैं, हाँ ये देखो ये तो हमेशा रोती रहती है, अब तुम भी रोती रहती हो, औरतें तो होती ही रोने के लिए हैं, ठीक है. क्या बुजदिलों की तरह तुम जो है वो एक्ट कर रहे हो, तुम तो मर्द हो, मर्द तो रोना उनको अलाउ नहीं है, ठीक है. तो हम टैगिंग कर रहे होते हैं, वी शुड नॉट, हमें टैग नहीं करना है, हम सबको पता है कि पेन जो है वो सब्जेक्टिव है और जो है वो हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखना है और हर एक इंसान अल्लाह ताला ने उसको मुख्तलिफ बनाया है, ठीक है. फॉल्स रीअश्योरेंस, मरीज मर रहा है और हम नर्सेस को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है और हम उनसे जाके कह रहे होते हैं कि अच्छा जी वो ठीक हो जाएगा, नहीं नहीं अभी ठीक हो जाएगा, और 2 मिनट के बाद खबर आती है कि उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, और सारा जलजला मलबा हम सब पे गिर जाता है. और ये एज अ इंटर्न नर्स हम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो प्लीज़ डू नॉट गिव द फॉल्स रीअश्योरेंस, ठीक है, इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत भी नहीं है. सिंपैथी, ओ बेचारा, चलो चलो कोई बात नहीं, यू कैन नॉट से बेचारा, यू हैव टू बी एम्पैथाइज, I understand you're going through with this pain. Don't worry, I'm with you. मैं आपके साथ हूँ, हम आपको पेन किलर्स दे रहे हैं, हम आपको मॉनिटर कर रहे हैं, आप बर्दाश्त कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, यू नो. आस्किंग वाई क्वेश्चन अगेन, क्यों कहाँ किस तरह से. सो 8 C's इफेक्टिव क्वेश्चन, यू नीड टू बी वेरी मच कम्प्लीट, आपको कम्प्लीट होना चाहिए, कंसाइज, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, कंसिडरेशन, सामने वाले की बात को समझना है, कॉन्क्रीट यानी कि उसमें से जो खास मुद्दे की बात है वो आपको अपने तक रखनी है और उसको समझनी है, ठीक है. क्लियर रहना है, कर्टियस यानी कि सामने वाले का ख्याल रखना है, करेक्ट यानी कि आपको ठीक होनी चाहिए, और कोहेरेंट कि आपको जो समझ में आया था यू शुड बी कॉन्फिडेंट, लेकिन सामने वाले को भी जो है वो इसका इल्म होना चाहिए कि आपको सही समझ में आया है कि नहीं, ठीक है. So these are the any questions with this. If you have, so please reach me, a record lecture hai to aap pooch sakte hain baad mein mujhse. So yes, this is the you can say ke a message of a day, that the biggest communication problem is we do not listen to understand, we listen to reply. So thank you very much, I'm done with this recording and looking forward and open for the discussion. Thank you so much.